जब मथुरा की अदालत में खुद हाजिर हुए भगवान तो कोर्ट ने दिया ये आदेश। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यू मीडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश की मथुरा कोर्ट में मंगलवार को एक अजीबोगरीब घटना हुई। आदेश के बाद भगवान कोर्ट में पेश हुए, इसके बाद कोर्ट ने उनकी उपस्थिति को स्वीकार किया, साथ ही कहा कि आगे से आप ना आइए। चौकी नहीं, मथुरा की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम ईदगाह का मुकदमा चल रहा है। अगली सुनवाई में केस के अन्य वादी भगवान कृष्ण के सखा के तौर पर अपना पक्ष रखेंगे। वहीं ईदगाह पक्ष के मुताबिक उस दिन अदालत में ना वर्ग था और ना वकीलों ने किसी कारणवश उस दिन न्यायिक कार्यों में हिस्सा नहीं लिया था। यह सुनवाई मंगलवार 7 फरवरी 2023 को हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट में भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर मामले के पक्षकार आशुतोष पांड्या पहुंचे थे। अदालत ने इस पर नाराजगी जताई और मूर्ति को लाने की वजह पूछी। इसके जवाब में आशुतोष पांड्या ने बताया कि उन्होंने जो केस दायर किया है उसमें वादी ही केशव जी भगवान कृष्ण है। पक्षकार ने बताया कि अदालत में जज ने आदेश में वादी पक्ष के सभी लोगों को हाजिर होने का आदेश दिया। ऐसे में ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण को लाना उनकी मजबूरी बन गई। इस दलील को सुनकर कोर्ट ने भगवान श्री कृष्ण की हाजिरी स्वीकार करी। इसी के साथ दोबारा उन्हें ना लाने का भी आदेश दे दिया। आशुतोष पांड्या ने अदालत से विवादित जमीन के सर्वे की मांग की। इस मांग पर न्यायालय ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 13 फरवरी 2023 को तय की। वहीं इस केस के दूसरे पक्ष शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया के सचिव और केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि आशुतोष पांड्या की मांग पर यह सुनवाई 9 वर्ग के दिन हुई है, जब अदालत के बाकी वकीलों ने न्यायिक कार्यों से खुद को अलग रखा था। तो आपको कैसी लगी ये खबर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह नामक आज एक मुकदमा विचाराधीन था, जिसमें सिक्सी और सर्वे रिपोर्ट पर बहस होनी थी। माननीय न्यायालय ने आदेश किया था पिछली 23 जनवरी को कि वादी नंबर 6 केशव जी महाराज गैर हाजिर है। माननीय न्यायालय, क्योंकि हम लोग न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, इसलिए माननीय न्यायालय में उनका पालन करने के लिए श्री केशव जी महाराज को वादी नंबर 6 के रूप में हम लोगों ने लेके आए थे, जिसमें माननीय न्यायालय में उनकी उपस्थिति दर्ज हुई है।